हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार बोर्ड कक्षा 7 के स्टूडेंट, तो आप लोग का एग्जामिनेशन 28 मार्च को जो होने वाला है संस्कृत का, उसका लिए मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। जैसा कि आप लोग का पिछला एग्जामिनेशन में सारा क्वेश्चन मिला होगा, तो इस भी एग्जामिनेशन में आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का जो 25 तारीख का जो पेपर होने वाला था वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जा चुका है। अब उसको जो है 29 तारीख को जो है कर दिया गया है। तो ये 28 तारीख को आप लोग का संस्कृत का पेपर होगा प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के संस्कृत के सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहाँ से नोट करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसके विषय में जानकारी मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं वार्षिक मूल्यांकन 2024 सातवां संस्कृत का है, और उसका समय 2 घंटा, पूर्णांक 50 अंक, ये आप लोग को वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और आप लोग को क्या क्या लिखना है, तो जैसे यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखाएगा, और यहाँ पे आपके अपने विद्यालय का नाम, यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम, यहाँ पे अपने संकुल का नाम, और यहाँ पे आपको अपने जिला का नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ जो आपको तीन चीज़ें जो दिखाई दे रहा है, वीक्षक का नाम, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक, की आप लोग को तीनों चीज़ में से किसी को भी नहीं लिखना है। नीचे की तरफ हम लोग आ जाएंगे, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि अगर ये देखा जाए तो सातवां क्लास के संस्कृत के अगर देखिएगा तो ये उसके हिसाब से यह काफ़ी हार्ड क्वेश्चन इस बार जो है पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए था। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अधोलिखिताना अनुच्छेद हिंदी भाष्यात अनुवदत, यानी कि नीचे लिखे गए अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, अनुवाद करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग को पता ही है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में संस्कृत के अगर पढ़ाई की बात करिएगा तो नहीं के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे अगर देखेगा तो सबसे पहले लिखा हुआ है, अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते, देश देश प्रति, समाज समाजम प्रति, मानवस्य मानव प्रति द्वेषग्रस्तता सन्ति, अस्य कारण कारणमपि वर्तते, स्वार्थ सिद्धि स्वस्थम सुखस्य कामना महत्वाकांक्षा च, परस्य शोषनामकमपि प्रयति, सर्वे स्वसुखावचम अवचन्ति, न कश्चित् पश्य सुखम उत्कर्ष वा सहते, तेन अशांति भवति तद दुख कारणम। इसका देख सकते हैं कितना हार्ड है। इसका अगर हिंदी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसका हिंदी जो लिखा गया है कि अभी पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, देश देश से नफरत करता है, समाज समाज से नफरत करता है, और इंसान इंसान से नफरत करता है। इसकी एक वजह भी है स्वार्थ, स्वयं की खुशी की इच्छा और महत्वाकांक्षा से दूसरे का शोषण होने की संभावना कम होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख चाहता है और कोई भी दूसरे का सुख या श्रेष्ठता बर्दाश्त नहीं करता है, इससे अशांति फैलती है, यही दुख का कारण है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी हार्ड है। इसको अगर बनाने के लिए अगर शिक्षकों को भी कहा जाए तो उनको भी काफ़ी समय लगेगा, तभी जा कर के वो उसका आंसर कर पाएंगे, बच्चे की तो दूर की बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सुमिलन कुरुत, यानी कि सही मिलान करना है हम लोग को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो रूट लगा हुआ है ये पूरी तरीके से गलत है। ये इस तरह से रूट नहीं लगना चाहिए था। ये यहाँ पर जो हो गया ये गणित का यहाँ पर दर्शा रहा है, तो ये यहाँ पर ये तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। लेकिन चलिए इसको हम लोग बताते हैं कैसे ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क जो दत्वा लिखा हुआ है उसको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 में मिलाना है, दा जोड़ कत्वा। उसके बाद है ख में दृष्टवा का, यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसका हो जाएगा दृश्य जोड़ कत्वा, ये 4th में मिलेगा। उसके बाद है पितवा का पाजोर कतवा, यहाँ पर हो जाएगा। गतवा का अगर देखिएगा तो गम जोर कतवा यहाँ पे हो जाएगा। अपठितवा का पठ जोर कतवा यहाँ पे इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए हो गया
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग को यहाँ पे बढ़ना है और अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या कहता है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि खाली स्थानों को पूरा करें। खाली स्थान को हम लोग को भरना है। पहला यहाँ पे क नंबर में बोलता है अरण्ययोषु विविधा वनस्पत्यः भवति, यानी कि यहाँ पे खाली था और इसमें हम लोग को दो चीज़ दिया गया था, भूपत्यः और वनस्पत्यः। तो यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं अरण्ययोषु विविधा, तो यहाँ पर ये चिकित्सा से संबंधित है, तो ये वनस्पतः यहाँ पे इसमें भरा जाएगा। उसके बाद है वने भयः विविधा, उसके बाद इसका हो जाएगा औषधयः, यहाँ पे औषधयः मिलती है। उसके बाद है वायु प्रदूषणान जनः, उसके बाद रुग्णा भवति, यानी कि निरोग मतलब हो गया कि कोई रोग नहीं, रुग्णा मतलब बीमारी। तो जब वायु प्रदूषण होगा तो लोगों के बीच जो है रोग फैलेगा ही। उसके बाद है वायु बिना वयम छन्न अपि न जीवाम, तो यहाँ पर किसके बिना हम लोग तनिक देर भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। दो चीज़ दिया गया है, जल और वायु, तो वायु के बिना हम लोग थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है वृक्षा संसारे संततत वर्धनीयमान, उसके बाद खाली स्थान है वर्यतु क्षमा, तो यहाँ पर आप लोग का शीतलता यहाँ पे आप लोग का भरा जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, तो ये क्या लिख रहा है कि संधि कुरुत, यानी कि संधि करना है। तस्य जोर एव, तो इसका हो जाएगा तस्यव। पद्म जोर आसन, तो इसका हो जाएगा पद्मासन। तत्र जोर एव, तो ये हो जाएगा तत्रेव। नमः जोरते, तो ये हो जाएगा आपका नमस्ते है। सम जोर कृतम, तो इसका हो जाएगा संस्कृतम। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आ जाएगा रिक्त स्थानम पुर्यत, यानी कि खाली स्थानों को भरे। तो यहाँ पे आप लोग को पुरुष में देखिएगा तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे बनाना है। पठतु, पठताम, पठंतु, पाठ, पठ, पठतम, पठत, उसके बाद पठानी, पठावा, पठामा, ये आप लोग को यहाँ पे इस तरह से भर लेना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। अगला यहाँ पर सवाल हम लोग देखेंगे तो संस्कृत अनुवाद कुरुत, यानी कि संस्कृत में अनुवाद करें। पहला नंबर है क नंबर कि हम दोनों विद्यालय जाते हैं, तो हम दोनों का जो हो जाएगा व्यम दोम अविद्यालयम गच्छामा, यानी कि विद्यालय जाने का विद्यालय गच्छामा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद वह पुस्तक पढ़ता है, तो सह पुस्तक पठती। उसके बाद है अजय प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो अजय का अजय हो जाएगा, प्रतिदिन का प्रतिदिनम हो जाएगा, विद्यालय का विद्यालयम और उसके बाद गच्छति। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो वह माता को प्रणाम करता है, तो इसका जो हो जाएगा सह स्व माताम नमस्कार करोति। उसके बाद अगला है हम लोग का कि हम लोग संस्कृत लिखते हैं, तो वयम संस्कृतम लिखाम। तो इस तरह से आप लोग का यहाँ पर पूरा हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।